तो हेलो गाइस, हम लोग फिर से दूसरी तरह रेडी होके हम लोग फिर से आ चुके हैं। और अभी हैं हम लोग, मतलब अभी हम लोग निकले हैं रोड पे, फिर अभी देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे। ऐसे वैसे हम लोग घर में इतना मस्ती कर लिए ना कि क्या ही बताए। इतना गर्मी लग रहा था यहाँ, इतना ठंडा में, पर अभी भी यहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे शाम होगा ना, वैसे वैसे पूरा रास्ता एकदम भीड़ होते जाएगा। फिर आप देख सकते हैं सब लोग हम लोग पहुँच चुके हैं। थक गई बड़ी जोर से। और इधर हमारे ग्रुप के सारे लोग, हम लोग बैठते हैं गाड़ी में और जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। गाना सुनते हो तुम लोग? हेलो गाइस, तो अभी हम लोग अपना पहला जो डेस्टिनेशन है वो हम लोग पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे जापानीज स्तूपा है वो हम लोग देखने आए हैं यहाँ। और मेरे ख्याल से ना, और एक चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग आज वो मिस कर रही है, जो हम लोग को कौन सा हिल जाना था, टाइगर हिल जाना था ना, वो हम लोग मिस कर चुके हैं, जहाँ से हम लोग को कंचनजंगा का व्यू दिखने वाला था। बट खोजते हैं, इधर आइए ना। पेड़े है तो कहाँ से दिखेगा, पेड़ नहीं रहने से ना। वहाँ पर वो रहा जापानीज स्तूपा, जो कि मेरे ख्याल से ना, जब हम छोटे बच्चे थे तो जीके में पढ़े थे जनरल नॉलेज में, तो पढ़ा था कि नहीं है स्तूपा? पढ़ा तो थे, लेकिन फोटो ही देखे। अब असलियत में जाके देखेंगे क्या। पहला डेस्टिनेशन है जापानीज स्तूपा, जिसमें वहाँ देख सकते हैं बुद्ध भगवान है वहाँ पे। जाओ चलो, ये चलिए वहाँ जाओ। इधर देख सकते हैं, अब तो फाइनली, मतलब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेंज है वो कंचनजंगा रेंज है। और देख सकते हो इतना सुंदर है ना कि क्या बोले, पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, सब तरफ तो पहाड़ी है, पर बहुत दूर होगा रे, बहुत दूर ना, बहुत दूर, इतना बड़ा से वहाँ जाएगी तो पहाड़, पहले ये पहाड़ से वो पहाड़ जाते हैं, तो ऊंचा पहाड़ जाते हैं। उधर भी पीछे साइड भी कुछ है क्या? अच्छा इधर भी है, सकते हैं। ये एकदम गार्डन टाइप से है यहाँ, और अभी हम लोग जाएंगे। और इधर देख लेते, पूरा रील बन रहा है मैडम का। ओह ओह ओह, तो हम लोग का ये सेकेंड डेस्टिनेशन है, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमको थोड़ा सा धूप मिला ना, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम धूप में खड़ा रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम भी नहीं पहनेंगे, हम टी गार्डन में पहनना चाहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ का जो ट्रेडिशनल दार्जिलिंग का जो ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं ड्रेस है, वो ये लोग पहन के फोटो वोटो शूट कर रहे हैं। अरे यहाँ से तो कंचनजंगा रेंज दिख रहा है, सब तरफ से दिखेगा ना। देखेंगे आप लोग? नहीं देखेंगे। चाइना बॉर्डर, कंचनजंगा, दार्जिलिंग व्यू। और ये है लुक लाइन, जो टॉय ट्रेन चलती है उसका ये लाइन है, इधर देख सकते हैं। अरे इसको कहाँ बोलते हैं, ये गोरखा वोर का एक वो ना होगा मेमोरियल, तो ये जो है बना हुआ ये एक मेमोरियल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का दार्जिलिंग का जो हिस्ट्री है, उसमें गोरखा वोर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, उसका ये एक मेमोरियल है बस। तो यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, और जो वोर हुआ था यहाँ दार्जिलिंग में, नेटिव पीपल और क्या बोलते हैं, भुला गए रे, यहाँ का नेटिव पीपल्स माइग्रेंट एंड द आर्मी रेसिडेंशियल के बीच में जो हुआ था,
उसका मेमोरियल ये बना हुआ है, इन्हें देख सकते हैं। क्या बोलती है, कंचनजंगा, और उधर है कंचनजंगा का रेंज, वो दिखाई दे रहा है वाइट वाइट। इधर हमको लगता है ना जिधर जिधर जाएंगे ना सब तरफ आज वो दिखाई देगा ना हमको, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको लग रहा है ना मेरा गला अब जाएगा। अभी जो आप लोगों ने देखा वो था टॉय ट्रेन, जो कि दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, जो कि ये देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं इसमें ट्रैवल करने के लिए टॉय ट्रेन में। पर हम लोग का किस्मत कहाँ, यहाँ आके भी हम लोग ये नहीं कर पाए। और इधर देख सकते हैं ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है, गार्डन में। और इधर से आई थी टी गार्डन तो पहुँचे हैं, क्या बोलते हैं, टी गार्डन में तो हम लोग को फूल दिखा ना, तो हम लोग फूल तोड़ने के लिए आ गए। और मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर माउंटेन है आज। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ आज, और हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा धीरे धीरे वाइट वाला थोड़ी है ना, इधर खींच करके हम यहाँ पास आ गए, पास गिर जाएंगे। चलो इतना मेरे लिए काफी है। तो अरे वहां से पहाड़ी नहीं दिखेगा। आओ गाइस, तो हम लोग चले अभी टी गार्डन की तरफ, वहां जाएंगे बहुत सारा फोटो खिंचाएंगे, चाय भी खरीदेंगे, और जब भी आप मेरे घर आओगे कभी भी मेरे से मिलने के लिए तो हम यही वाला चाय पत्ती डाल के चाय बनाएंगे और आप लोगों को पिलाएंगे। तो प्लीज़ इसके बाद जब हम घर वापस जाएँ तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ हमसे मिलने ज़रूर आइएगा, हम लोग जाते हैं अब। तो गाइज इधर देख सकते हैं उधर पूरा माउंटेन है ना, उसमें पूरा सब में बस चाय लगा हुआ है, पूरा इधर चाय ही चाय है, सब तरफ चाय का बगान है। और ये वाले में है क्या कि जितना भी वैरायटी होता है चाय का वो हमको लगता है सब कुछ ही यहाँ होगा, तो यहाँ सब यही देखने आता है। तो हम लोग भी अभी यहाँ फोटो वोटो खिंचाएंगे ये सब का, इसका पूरा फील लेंगे नेचुरल वो का। और साथ में इधर देख सकते हैं यही वाला को तोड़ते हैं ना, चाय पी लो गाइस। तो तुम लोग याद रखना जो हम बोले थे, तुम लोग कभी आओगे मेरे घर तो तुम लोग को चाय पिलाएंगे ना, तो यहीं का चाय पिलाएंगे, तो आना चाय में यहीं का दार्जिलिंग का चाय पत्ती डाल के चाय पिलाऊंगा मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोग मेरे से मिलने आओगे तो। आप बोले थे इसका बताओ क्या नाम था इसका, क्या नाम बताया था इसका, पोते। तो इधर देख सकते हैं ये इन लोगों का ट्रेडिशनल कुछ आएगा ना। हाँ, एक हम पहने हैं ना, देखिएगा कुछ कम नहीं होगा, 200 सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा दिखता है ये, और ग्रीन और ये मैक्स मिक्स करने में ना और भी अच्छा दिखता है। कहाँ, हाँ ग्रीन वाला सुंदर लग रहा है, कुछ कम करिए ना प्लीज, आपको 50 रुपए कम कर दिया सिस्टर, ये 200 में दीजिए ना, 20 रुपए ज्यादा दीजिए, ठीक है, वही हमारा प्रॉफिट है, वही बेचता है, 200 चलेगा प्लीज, हम लोग दूर से आए हैं, 20 रुपए तो आपको भी रखना है, कितना लगेगा
चलो लग रहा है कि हम खाना चाहिए पर कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने ले लिया ये। और ये ठका के खरीद रही है, शॉपिंग की है पूरा 120। अरे वहाँ इतना सा इतना पतला का चार बता है, पांच बता, उसमें भी नहीं लगा हुआ था, उसको 100 रुपीस बोला था हम लोग, हम वो पूछे थे। और यहाँ पे आके ये ठका के शॉपिंग की है, जो कि वहाँ सस्ता मिलता है ये यहाँ के महंगा में ले लिए। देख सकते हैं हमारे पूरा जो ग्रुप है वो सब यहाँ पे आ चुका है। और इधर हमारे क्या बोलेंगे आपको, मजनू भाई, मजनू भाई बहुत बहुत भयानक है यहाँ। ऐसी कोई भी नहीं, ऐसा जहाँ ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके किसी लोग कोई लड़की यहाँ की कोई लड़की से फोटो नहीं खिंचाया होगा। हम लोग से एक भी फोटो नहीं खिंचाया, कैसे नहीं खिंचाया, सब खिंचाया था रे, कैसे नहीं। तो यहाँ पे सब अभी फोटो ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग बारी बारी से। फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम बता देंगे आपको। तो ये है सेंट जोसेफ स्कूल, जहाँ पे आप लोगों ने सब लोग ने देखा होगा जो यारिया मूवी है, इसी स्कूल में वो शूटिंग हुआ था। तो वो हम लोग ने देख लिया, मस्त स्कूल, अच्छा दिख रहा था बहुत अच्छा। एक दिन मैं आई विल शूट कर दूंगी। ये लोग कैमरा, तो हेलो गाइस, हम लोग घूम के आ चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ के मार्केट वाले में घूम रहे हैं। इधर देख सकते हैं यहाँ का ये मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। तो अभी हम लोग यही मार्केट में घूम रहे हैं और हम लोग गए थे जहाँ जहाँ भी लोकेशन हम लोग घूमने का घूमे थे, पर स्पेशली जहाँ जाना था ना वहाँ तो हम लोग जा ही नहीं पाए और हमको बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा हमको यहाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया यहाँ। इससे ज़्यादा मुझे तो लद्दाख, क्या नहीं नहीं, इससे ज़्यादा तो मुझे गैंगटॉक में मज़ा आया था, वहाँ अच्छा लगा था, बट यहाँ उसके जैसा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ। तुमको कैसा लगा यहाँ? बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि हम लोग तीस डेट भी नहीं देख पाए। हाँ, फिर हम लोग मॉर्निंग में भी टाइगर हिल नहीं देख जा पाए गाइस। हम लोग जब टी स्टेट के लिए गए तो वो भी टी स्टेट पूरा उजड़ा हुआ था, उतना अच्छा भी नहीं था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसलिए गुस्सा से रूम, और रूम जाते हैं रेस्ट करते हैं और शाम में हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए।